हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजेंट फिल्म के बारे में। अजेंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में मम्मूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई, जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती। वह बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइन साला एक महत्वाकांक्षी हुआ कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। यह धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अक्किनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल 5 रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अक्किनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अक्किनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अक्किनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वैद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद
उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी एक्नेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में एक नैनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनैनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50 से 60% उत्पादन पूरा हो चुका है। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमा ने इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म की संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमरीकी रिफर्स लील डिक्की पेटी पेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत सेव डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। चौथा सिंगल जिसका शीर्षक वाइल साला है 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और एक्नेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी पर पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लीव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और वीएफएक्स की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। और टिट्टी फिल्म के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है जिसमें एक तेज फटका था और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब फटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक वरीयसित का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है। अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है। जो बात सच में अजीब है वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि
कथंग वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कई एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से यह अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के अभिनेता की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म में एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में यह मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4थे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममोटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख भूमिका एम टी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममोटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1983 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में ममोटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और पालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्सम 2014, पीरियड ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर भीष्म पर्वम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी ममूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंजीरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके 2 छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और 3 छोटी बहनें अमीना
सौदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थकुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982, और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह मम्मूटी ने 20 साल की उम्र में KS सेतुमाधवन की अनुभवगुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक बिना श्रेय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद मम्मूटी ने मंजरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया, और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु MT वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें सर्वपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विक्नड्डू सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान मम्मूटी की मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब KG जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे, तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब वे एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे, तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सजिन के रूप में श्रेय दिया गया था, क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म थ्रिसाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह IV शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने KG जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भरत गोपी के साथ अभिनय किया, जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया, और IVC शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू किरियाथ ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर प्रयोग किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था, उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई।
जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है, विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में ममूटी उनसे मेल खाते हैं जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा वो एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ममूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरण की परनीलाऊ में अभिनय किया जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली और यह इसके बाद विक्की जी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में ममूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया। चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में ममूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कुडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि ममूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। ममूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया है। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया। सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था जिसे इलाइराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है जो 1980 के दशक की आंसू झटकेदार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है जिसमें एक अच्छे पति सह पिता एक युवा माँ और 3 से 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंट फिल्म के बारे में। अजंट फिल्म की बात की जाए यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और रामा ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में ममूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद्य और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती हुआ बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक
महत्वाकांक्षी हुआ। कई असफल प्रयासों के बावजूद वह एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। यह धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अकनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल 5 रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अकनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अकनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अकनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वेद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी अकनेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में अकनेनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनेनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50-60% उत्पादन पूरा हो चुका। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमा ने इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म की संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमरीकी रिफर्स लील डिक्की फेटी फेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत से डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था।
चौथा सिंगल है जिसका शीर्षक वाइल्ड साला है, 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और अकनेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी है। पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लिव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और VFX की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। OTT प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है जिसमें एक तेज फटकथा और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है, जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक बरियसित का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है। अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है। जो बात सच में अजीब है वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से या अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनियन की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में या मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4th सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममूटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली
प्रमुख भूमिका एमटी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममूटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1984 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में मम्मूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और फालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, प्रियर ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर भीष्म पर्वम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी ममूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंजीरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और तीन छोटी बहनें अमीना सौदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजूरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थकुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी जिसका जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह ममूटी ने 20 साल की उम्र में की सेतुमाधवन की अनुभागुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक बिना श्रेय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद ममूटी ने मंजूरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु एमटी वासुदेवन नायर से हुई जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें लंकनंदो सवरपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विक्कीनाडु सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान ममूटी की
मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब केजी जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब वे एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सज्जन के रूप में श्रेय दिया गया था क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म त्रिशाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह आईवी शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने केजी जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भरत गोपी के साथ अभिनय किया जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया और आईवीसी शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू की रियात ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर प्रयोग किया जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में मम्मूटी उनसे मेल खाते हैं जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा पूर्व एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मम्मूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरन की परनीलाऊ में अभिनय किया जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली और यह इसके बाद भी केजी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में मम्मूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया। चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में मम्मूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कोडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि मम्मूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। मम्मूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए
अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया। सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था, जिसे इलाइराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है, जो 1980 के दशक की आंसू झटकादार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है, जिसमें एक अच्छे पति, सह पिता, एक युवा माँ और 3 से 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जेंट फिल्म के बारे में। अर्जेंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया है और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और राम ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में मम्मूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापत्तनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंड 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई, जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से 2 आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती है। वह बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक महत्वाकांक्षी हुआ कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट, जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। या धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अक्किनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल 5 रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अक्किनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और
पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में एक्नेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए एक्नेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वेद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी एक्नेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में एक्नेनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत एक्नेनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50-60% उत्पादन पूरा हो चुका है। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमन इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म की संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमेरिकी रिफर्स लील डिक्की फेटी पेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत सेव डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। चौथा सिंगल जिसका शीर्षक वाइल्ड साला है 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और एक्नेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी है। पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लीव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और वीएफएक्स की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। ओटीटी प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है, जिसमें एक तेज फटकथा और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है, जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब फटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक बोरियत का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है। अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए
पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि अर्जेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है। जो बात सच में अजीब है वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघु बंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से यह अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनियन की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म में एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में यह मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4थे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममूटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख भूमिका एमटी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममूटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1984 की फिल्में संधायुक्कू वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में ममूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और पालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, पीरियड ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर विष्णु प्रभुम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी ममूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंजीरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके 2 छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और 3 छोटी बहनें अमीना
सौदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजूरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थकुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982, और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह मम्मूटी ने 20 साल की उम्र में KS सेतुमाधवन की अनुभागुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक विनाश्रय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद मम्मूटी ने मंजूरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया, और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु MT वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें सर्वपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विक्नड्डू सर्वपल्लम के फिल्मांकन के दौरान मम्मूटी की मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब KG जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे, तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब वे एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे, तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म में इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सज्जन के रूप में श्रेय दिया गया था, क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म थ्रिसाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह IV शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने KG जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भरत गोपी के साथ अभिनय किया, जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया, और IVC शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू किरियाथ ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर प्रयोग किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था, उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई।
जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है, जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है, विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में ममूटी उनसे मेल खाते हैं, जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा पुवो। एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ममूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरण की परनीलाऊ में अभिनय किया, जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली, और यह इसके बाद भी के जी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में ममूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई, जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में ममूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कोडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि ममूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था, जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता, जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। ममूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया है। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया। सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था, जिसे इलाइराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक या रात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है, जो 1980 के दशक की आंसु झटकेदार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है, जिसमें एक अच्छे पति, सह पिता, एक युवा माँ और 3 से 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंट फिल्म के बारे में। अजंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और राम ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में ममूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद्य और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापत्तनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंड 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई, जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती हुआ बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक
महत्वाकांक्षी हुआ। कई असफल प्रयासों के बावजूद वह एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। यह धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अकनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल 5 रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अकनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अकनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अकनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वेद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी अकनेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में अकनेनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनेनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50-60% उत्पादन पूरा हो चुका। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमा ने इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म की संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमरीकी रिफर्स लील डिक्की पेटी पेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत से डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक एधे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था।
चौथा सिंगल है जिसका शीर्षक वाइल्ड साला है, 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और एक्नेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी है। पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लिव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और वीएफएक्स की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। और टिट्टी फिले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है जिसमें एक तेज फटका था और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा है कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक वरीयसित का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है। अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है जो बात सच में अजीब है। वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से यह अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनियन के राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में या मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4th सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममूटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख भूमिका एम टी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम
1979 में थी। मामूटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1983 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में मम्मूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और फालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, प्रिय ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर भीष्म पर्वम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष है, जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी मम्मूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह मम्मूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंजीरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और तीन छोटी बहनें अमीना सौदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थ कुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982, और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह मम्मूटी ने 20 साल की उम्र में की एस सेतु माधवन की अनुभागुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक बिना श्रेय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद मम्मूटी ने मंजरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु MT वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें लंकनंदू सर्वपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विकनड्डू सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान मम्मूटी की
मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब केजी जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सजिन के रूप में श्रेय दिया गया था क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म त्रिशाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह आईवी शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने केजी जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भारत गोपी के साथ अभिनय किया जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया और आईवीसी शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू किरियाथ ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में के लेकर प्रयोग किया जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में मम्मूटी उनसे मेल खाते हैं जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा पूर्व एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मम्मूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरन की परनीलाऊ में अभिनय किया जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली और यह इसके बाद भी केजी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में मम्मूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया। चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में मम्मूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कोडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि मम्मूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। मम्मूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया।
सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था, जिसे इलैयाराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है, जो 1980 के दशक की आंसू झटकेदार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है, जिसमें एक अच्छे पति, सह पिता, एक युवा माँ और 3 से 4 साल की एक बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंट फिल्म के बारे में। अजंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और राम ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में मम्मूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद्य और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापत्तनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई, जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से 2 आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती है। वह बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक महत्वाकांक्षी हुआ कई असफल प्रयासों के बावजूद वह एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट, जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। या धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अक्किनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल 5 रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अक्किनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और
पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अकनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अकनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वेद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी अकनेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में अकनेनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनेनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50-60% उत्पादन पूरा हो चुका। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमन इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म के संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमरीकी रिफर्स लील डिक्की फेटी फेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत से डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। चौथा सिंगल जिसका शीर्षक वाइल्ड साला है 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और अकनेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी है। पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लीव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और वीएफएक्स की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। ओटीटी प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है, जिसमें एक तेज फटकथा और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है, जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक बरियसित का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है। अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए
पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि अर्जेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है। जो बात सच में अजीब है वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघु बंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से या अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनियन की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म में एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में यह मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4थे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममूटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख भूमिका एमटी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममूटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1983 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवू और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में ममूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और पालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, प्रीत ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर विष्णु प्रभम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी ममूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंदिरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके 2 छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और 3 छोटी बहनें अमीना
सदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजूरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थकुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982, और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह मम्मूटी ने 20 साल की उम्र में की एस सेतुमाधवन की अनुभागुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक विनाश्रय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद मम्मूटी ने मंजूरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया, और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु MT वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें लंकनंदो सवरपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विक्कनडु सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान मम्मूटी की मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब केजी जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे, तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब वे एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे, तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म में इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सज्जन के रूप में श्रेय दिया गया था, क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म थ्रीसाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह IV शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने केजी जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या महाभारत गोपी के साथ अभिनय किया, जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया, और IVC शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू किरियाथ ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर प्रयोग किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था, उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई।
जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है, जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है, विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में ममूटी उनसे मेल खाते हैं, जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा पुबू। एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ममूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरण की परनीलाऊ में अभिनय किया, जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली, और यह इसके बाद विक्की जी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म में ममूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई, जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में ममूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कोडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि ममूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था, जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता, जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। ममूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया है। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया। सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था, जिसे इलाइराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है, जो 1980 के दशक की आंसु झटकेदार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है, जिसमें एक अच्छे पति, सह पिता, एक युवा माँ और 3 से 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंट फिल्म के बारे में। अजंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और राम ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में ममूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद्य और डीनो की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई, जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती हुआ बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक महत्वाकांक्षी हुआ कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह
पता चलता है कि दागर वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अकनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल 5 रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अकनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अकनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अकनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वेद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी अकनेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में अकनेनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनेनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50-60% उत्पादन पूरा हो चुका। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमा ने इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म की संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमरीकी रिफर्स लील डिक्की पेटी पेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत से डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल है जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। चौथा सिंगल है जिसका शीर्षक वाइल साला है 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए
निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और अकनेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी है। पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी। और यह सोनी लिव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और VFX की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। OTT प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है, जिसमें एक तेज फटका था और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है, जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है, अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है। और दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक बरियसित का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है, अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है, जो बात सच में अजीब है वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से या अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनियन की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म एकमात्र राहत है, जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में या मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951, जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4th सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममोटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख भूमिका MT वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममूटी को सफलता 1981 में मिली, जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए 2रे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य
फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1984 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में मम्मूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और पालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, प्रिय ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर भीष्म पर्वम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष है, जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी मम्मूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह मम्मूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंजीरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और तीन छोटी बहनें अमीना सौदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थ कुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982 और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह मम्मूटी ने 20 साल की उम्र में KS सेतुमाधवन की अनुभवगुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक बिना श्रेय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद मम्मूटी ने मंजरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु MT वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रु के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें लंकनंदू सर्वपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विक्नड्डू सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान मम्मूटी की मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब केजी जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे, तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब वे एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे, तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े
बजट की एक्शन फिल्म में इसे स्फोदानंद ने सहायक भूमिका में लिया गया, जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था। फिल्म में उन्हें सजिन के रूप में श्रेय दिया गया था, क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म त्रिशाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह आईवी शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने केजी जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भरत गोपी के साथ अभिनय किया, जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया, और आईवीसी शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू की रियात ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में के लेकर प्रयोग किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में, जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था, उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई, जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है, जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है। कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है, विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में मम्मूटी उनसे मेल खाते हैं, जो वकील जयमोहन है, और संध्या को विरंजा वो एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मम्मूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरन की परनीलाऊ में अभिनय किया, जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी, जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। और यह इसके बाद भी के जी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में मम्मूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई, जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया। चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में मम्मूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कुडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि मम्मूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था, जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता, जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। मम्मूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया। सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था, जिसे इलाइराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है, जो 1980 के दशक की आंसू झटकेदार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है, जिसमें एक अच्छे पति, सह पिता, एक युवा माँ और 3 से या 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते
हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंट फिल्म के बारे में। अजंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और रामा ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में मम्मूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद्य और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंड 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई, जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती हुआ बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक महत्वाकांक्षी हुआ कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। यह धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अक्किनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल फाइव रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अक्किनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अक्किनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अक्किनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वैद्य को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद
उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी एक्नेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में एक नैनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनैनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50 से 60% उत्पादन पूरा हो चुका। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमन एस को फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म के संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमरीकी रिफर्स लील डिक्की फेटी फेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत से डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। चौथा सिंगल जिसका शीर्षक वाइल्ड साला है 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और अकनैनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी है। पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लीव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और वीएफएक्स की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। ओटीटी प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है, जिसमें एक तेज फटकथा और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है, जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है, अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब फटकथा, कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक बरियसित का एहसास कराता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है, अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है, जो बात सच में अजीब है। वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि
कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से या अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनिंग की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है। और इस फिल्म में यह मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें मम्मूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4थे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह ममोटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख भूमिका एमटी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममूटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1983 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में ममूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और पालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, प्रीत ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर विष्णु प्रभुम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष है जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी ममूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंदिरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके 2 छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और 3 छोटी बहनें अमीना
सदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजूरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थकुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982, और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह मम्मूटी ने 20 साल की उम्र में की एस सेतुमाधवन की अनुभागुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक बिना श्रेय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद मम्मूटी ने मंजूरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया, और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु MT वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें लंकनंदो सवरपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विकनड्डू सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान मम्मूटी की मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब केजी जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे, तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे, तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सज्जन के रूप में श्रेय दिया गया था, क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म थ्रीसाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह IV शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने KG जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भरत गोपी के साथ अभिनय किया, जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया, और IVC शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू किरियाथ ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में के लेकर प्रयोग किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में, जिसका निर्देशन PG विश्वभरन ने किया था, उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई।
जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है, विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में ममूटी उनसे मेल खाते हैं जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा पुवो एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ममूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरण की परनीलाऊ में अभिनय किया जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली और यह इसके बाद विक्की जी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में ममूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया। चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में ममूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कोडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि ममूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। ममूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया है। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया। सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था जिसे इलाइराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है जो 1980 के दशक की आंसू झटकादार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है जिसमें एक अच्छे पति सह पिता एक युवा माँ और 3 से 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जेंट फिल्म के बारे में। अर्जेंट फिल्म की बात की जाए, यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया है और इसका निर्माण अनिल सुनकारा और राम ब्रह्मम सुनकारा ने एके एंटरटेनमेंट के तहत किया है। फिल्म में ममूटी और अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही डीनो मौर्या, साक्षी वैद और विक्रमजीत विर्क सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म साक्षी वैद और डीनो मौर्या की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी। फिल्मांकन हैदराबाद, बुडापेस्ट, विशाखापत्तनम और मनाली में हुआ और कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार टाल दिया गया। एजेंड 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से निराशाजनक साबित हुई जिसके कारण निर्माता अनिल सुनकारा और अखिल अक्किनेनी को माफ़ी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म का निर्माण बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की जाती है। वह बताता है कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और द गॉड करते हैं। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइड साला एक
महत्वाकांक्षी हुआ। कई असफल प्रयासों के बावजूद वह एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को द गॉड को पकड़ने के लिए एक नौसिखिए के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर नियुक्त करता है। यह पता चलता है कि द गॉड वास्तव में धर्म के एक पूर्व रॉ एजेंट जो महादेव द्वारा अपनी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद बदमाश बन गया था। धर्म अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ गोलीबारी के दौरान वायरस युक्त डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक तकनीकी समस्या पैदा हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के दूसरे संचालक के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से मना कर देता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद धर्मा की मदद से रिकी हिरासत से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिकी की गिरफ्तारी धर्मा के संचालन के बारे में जानने के लिए रिकी और महादेव दोनों द्वारा रची गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर लिया जाता है और डिवाइस को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और उसे डिवाइस की एक कॉपी प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी सक्रिय रॉ एजेंटों के नाम और पहचान भी शामिल होती है। धर्मा को पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर धर्मा महादेव का सामना करता और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। या धर्म मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैलाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के महादेव की रिकी से उसे गोली मारने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा को खोजता है और उसे मार देता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। इसके बाद रिकी रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म की घोषणा अखिल अकनेनी ने सितंबर 2022 में की थी, जिसका अस्थायी शीर्षक अखिल फाइव रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र रेड्डी निर्देशक थे। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2021 में अकनेनी के जन्मदिन पर शीर्षक और पोस्टर का खुलासा करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के दिन एक पूजा समारोह आयोजित किया गया था और जासूस के रूप में अकनेनी की भूमिका कथित तौर पर अमेरिकी फिल्म श्रृंखला बॉर्न के जेसन बॉर्न के चरित्र से प्रेरित थी। इस भूमिका के लिए अकनेनी ने अपने शरीर को बढ़ाया। दिसंबर 2020 में मॉडल साक्षी वेद को महिला प्रधान भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। मार्च 2021 में मोहनलाल को एक सैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। इसके बाद उपेंद्र पर भी विचार किया गया, लेकिन भूमिका को अंततः ममूटी ने साइन किया, जिनकी कास्टिंग जून 2021 में पुष्टि की गई है। ममूटी अकनेनी और सुरेंद्र रेड्डी के बीच सहयोग को भी चिन्हित करता है। डीने मोरिया को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक दुष्ट एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2021 में हैदराबाद भारत में फिल्मांकन शुरू हुआ। ममूटी अक्टूबर 2021 में बुडापेस्ट में प्रोडक्शन में शामिल हुए और अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा किया। मार्च 2022 में हैदराबाद मेट्रो में अकनेनी की विशेषता वाले दृश्यों की शूटिंग की गई। अगले महीने प्रोडक्शन विशाखापट्टनम चला गया और विशाखापट्टनम पोर्ट पर कुछ एक्शन एपिसोड और एक गाना शूट किया गया। अप्रैल 2022 में विजय मास्टर की कोरियोग्राफर के तहत अकनेनी और अन्य विशेषता वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन मनाली हिमाचल प्रदेश चला गया। मई 2022 तक उत्पादन में देरी के कारण लगभग 50-60% उत्पादन पूरा हो चुका है। इस प्रकार अगस्त 2022 की रिलीज छूट गई थी और यह इसी से पहले थमन इसको फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक के संगीतकार के रूप में चुना गया था। बाद में सितंबर 2021 में उन्हें तमिल संगीत जोड़ी हिप हॉप तमिजा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ध्रुव 2016 के बाद सुरेंद्र रेड्डी के साथ उनका दूसरा सहयोग फिल्म की संगीत अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज के पास है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक मल्ली मल्ली है 22 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और यह अमेरिकी रिफर्स लील डिक्की पेटी पेप और रिच होमी वाकवान के 2015 के गीत सेव डेट मनी के बेसलाइन इंस्ट्रूमेंटल का नमूना है। दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक दे अंडे के 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा सिंगल जिसका शीर्षक रामा कृष्णा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था।
चौथा सिंगल है जिसका शीर्षक वाइल्ड साला है, 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और यह एजेंट 28 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को शुरू में 24 दिसंबर 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के निर्माण में भारी देरी हुई। बाद में फिल्म 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी और अकनेनी की चोटों के कारण फिर से देरी हो गई। फिर फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज करने की योजना बनाई गई, जो कि वर्तमान तिथि को स्थगित होने से पहले मकर संक्रांति के साथ मेल खाती थी। फिल्म को मलयालम में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की तैयारी पर पहले इसे 5 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे केवल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की गई थी और यह सोनी लिव ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए और एजेंट को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी पटकथा साउंडट्रैक और वीएफएक्स की आलोचना की गई। फिल्म ने प्रचार लागत का आधा भी नहीं वसूला, उत्पादन लागत की जो तो बात ही छोड़िए। ओटीटी प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक बहुत ही आकर्षक जासूसी थ्रिलर है जिसमें एक तेज फटका था और शानदार एक्शन कोरियोग्राफी है, जिसे व्यापक कैनवास पर फिल्माया गया है। अपनी गलतियों के बावजूद सुरेंद्र रेड्डी एक पैसा वसूल अनुभव सुनिश्चित करता है। 123 तेलुगु ने 5 में से 55 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक औसत जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सिक्वेंस फिल्म के लिए एक वरदान है और दूसरे भाग में खराब फटका था। कुछ अतिरंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण चरमोत्कर्ष भाग एक वरीयसित का एहसास कराता है और टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट एक जासूसी थ्रिलर है जो उबाऊ होने का दोष लगाती है। अखिल का जंगली अभिनय देश को बचा सकता है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडिया टुडे की लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में शायद ही कोई विश्वसनीय कहानी है। जो बात सच में अजीब है वह यह है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस के रघु बंदी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि कथम वामसी की कहानी एक विशिष्ट एक्शन फिल्म पैटर्न का अनुसरण करती है और उसी पर टिकी हुई है। एक विशाल सुरेंद्र रेड्डी फिल्म और अखिल अकनेनी ने फिल्म के बीच कहीं एजेंट वास्तव में दोनों क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और एक औसत एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि एजेंट में कहीं न कहीं तर्क और जादू की तुलना करने वाली एक बेकार लाइन है और फिल्म दोनों मामलों में कमजोर पड़ती है, जिससे इसके दर्शक एक उबाऊ और पूरी तरह से या अविस्मरणीय अनुभव के साथ रह जाते हैं। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा कि अखिल अकनेनी और ममोटी अभिनीत सुरेंद्र रेड्डी की एजेंट एक सामान्य कहानी है जो परेशान करने वाले मुख्य किरदार का अनुसरण करती है, जो एक पुरुष बच्चे के रूप में सामने आता है जो अपने बचपन की जासूसी कल्पनाओं को जीने की कोशिश कर रहा है। फिल्म कैंपेनियन की राम वेंकट श्रीकर ने लिखा कि एजेंट एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म निर्माता की दृष्टि को साकार करने के लिए टीम और संसाधनों का प्रयास स्पष्ट रूप से कुछ संक्षिप्त एक्शन सीक्वेंस इस विशाल घिसी पिटी फिल्म में एकमात्र राहत है जो रचनात्मक और जंगलीपन से कम है और इस फिल्म में या मोहम्मद कुट्टी पनप्रिम्बलम इस्माइल का जन्म 7 सितंबर 1951 जिन्हें ममूटी के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। वह तमिल तेलुगू कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं। 5 दशक के करियर में वह मुख्य भूमिकाओं में 420 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें से 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 11 केरल फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार द्वारा 4th सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और यह ममूटी ने 1971 के मलयालम फिल्म अनुभव गल पाली चक्कल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली
प्रमुख भूमिका एमटी वासुदेवन नायर की अप्रकाशित फिल्म देवलोकम 1979 में थी। ममूटी को सफलता 1981 में मिली जब उन्हें अहिंसा में उनके प्रदर्शन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रमुख व्यावसायिक सफलताओं में 1983 की फिल्में संधायुक्कु वरिंजा पुवु और या रात्रि शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद 1987 की क्राइम थ्रिलर न्यू दिल्ली ने उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाया। अगले दशक में आई फिल्मों में ममूटी को मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। 2000 का दशक उनके लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता और दौर था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की द्विभाषी बायोपिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2000 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और उन्होंने काजाचा 2004 और पालेरी मनिकयम 2009 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग पार्चियटन एंड द सेंट 2010, ड्रामा वर्षम 2014, पीरियड ड्रामा पाथेमारी 2015 और ब्लैक कॉमेडी अंडा 2019 के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति की और पहले तीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्ति किया। उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की मैं एक्शन कॉमेडी मधुरा राजा 2019, एक्शन थ्रिलर विष्णु प्रभुम 2022 और क्राइम थ्रिलर कन्नड़ स्वाइड 2023 शामिल है। वह मलयालम कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष है, जो मलयालम टेलीविजन चैनल केराली टीवी, केराली न्यूज और केराली भी चलता है। वह वितरण उत्पादन बैनर प्ले हाउस और प्रोडक्शन कंपनी ममूटी कंपनी सहित कई प्रोडक्शन वेंचर्स के मालिक है। वह ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 के चंजीरूर में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत के वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेकोम के पास चेम्पो गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्माइल को थोक कपड़ा और चावल का व्यवसाय था और वे चावल की खेती में शामिल थे। उनकी माँ फतिमा एक गृहिणी थी। वह उनके सबसे बड़े बेटे, उनके दो छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी और जाकरिया और तीन छोटी बहनें अमीना सौदा और सफीना है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलशेखरकुलम कोट्टायम में पढ़ाई की। 1960 के दशक के उनके पिता परिवार की एर्नाकुलम ले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल एर्नाकुलम में पढ़ाई की। उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवरा में अपनी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। उन्होंने अपनी डिग्री के लिए महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB की डिग्री की हासिल की थी। उन्होंने मंजरी में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उन्होंने 1979 में सुलुफ्थ कुट्टी से अरेंज मैरिज की। दंपति की एक बेटी सुरमी, जिसका जन्म 1982, और एक बेटा दुलकर सलमान 1986 है, जो एक अभिनेता भी है। वह अपने परिवार के साथ कोची में रहते हैं। उनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी ने भी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। उनके भतीजे मकबूल सलमान और असकर सौदान मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वह ममूटी ने 20 साल की उम्र में किया से सेतुमाधवन की अनुभागुलम पालीचक्कल 1971 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआती की। उन्होंने के नारायण द्वारा निर्देशित 1973 की फिल्म कालचक्रम में एक बिना श्रेय की भूमिका में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की। उन्हें एक नाविक की छोटी भूमिका में लिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला संवाद कहा था। 1975 में उन्होंने थिएटर ड्रामा साबरमती में अभिनय किया। 1976 में महाराजा कॉलेज में स्नातक होने के बाद ममूटी ने मंजरी में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया और इस दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु एमटी वासुदेवन नायर से हुई, जिन्होंने उन्हें देवलोकम 1979 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। हालांकि वित्तीय बाधाओं और कलाकारों को क्रू के बीच संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के बीच की ही रोक दी गई थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज नहीं मिली। इसलिए वासुदेवन नायर ने उन्हें सर्वपल्लम 1980 में एक छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन आजाद ने किया और नायर ने इसकी पटकथा लिखी। यह उनकी पहली क्रेडिट भूमिका थी और वह विक्नड्डू सर्वपंगलम के फिल्मांकन के दौरान ममूटी की
मुलाकात श्रीनिवासन से हुई और वे उनके करीब आ गए। जब केजी जॉर्ज अपनी फिल्म मेला 1980 के लिए एक साहसी मोटरसाइकिल जंपर के रूप में स्मार्ट और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक नवागंतुक की तलाश कर रहे थे तो श्रीनिवासन ने मम्मूटी का नाम सुझाया। जब वे एर्नाकुलम के रेमन सर्कस में शूटिंग कर रहे थे तो मेला पहली मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्हें प्रमुख भूमिका में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें विजय चित्रा कंबाइंस की बड़े बजट की एक्शन फिल्म में इस्फोदानानम में सहायक भूमिका में लिया गया जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था। इस फिल्म में उन्हें सजिन के रूप में श्रेय दिया गया था क्योंकि विश्वभरन को लगा कि यह मम्मूटी नाम की एक अभिनेता के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम फिल्म त्रिशाना 1981 में मुख्य भूमिका अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष बाद में वह आईवी शशि की राजनीतिक फिल्म अहिंसा 1981 में सहायक भूमिका में दिखाई दी जिसने उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। अगले वर्ष उन्होंने केजी जॉर्ज की युगांतकारी अवनिका में या भरत गोपी के साथ अभिनय किया जिससे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई जो एक यात्राशील नाटक समूह के एक लोकप्रिय तबला वादक की तलाश में जो अचानक गायब हो जाता है। जीजो पुनर्सिंह ने महाकाव्य काल नाटक पद्योतम में मम्मूटी की नकारात्मक भूमिका का प्रयोग किया और आईवीसी शशि ने उन्हें मनमोहन देसाई की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथोनी की मलयालम रीमेक जॉन जाफर जनार्दन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। इसके बाद उन्हें शशि की राजनीतिक नाटक ईनाडू में एक प्रमुख सहायक भूमिका में लिया गया जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई और यह 1983 में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बालू किरियाथ ने मम्मूटी के साथ कॉमेडी ड्रामा वीजा में उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर प्रयोग किया जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। अपनी अगली फिल्म संध्या को विरंजा पूर्व में जिसका निर्देशन पीजी विश्वभरन ने किया था उन्होंने एक स्वतंत्र वकील की भूमिका निभाई जो एक महिला चिकित्सक का मामला उठाता है जिस पर चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया जाता है कि यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आलोचक ने लिखा कि डॉक्टर बाला के रूप में सीमा एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है विशेष रूप से अत्यधिक भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली होती है। अभिनय में मम्मूटी उनसे मेल खाते हैं जो वकील जयमोहन है और संध्या को विरंजा वो एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मम्मूटी की स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने विश्वभरन की परनीलाऊ में अभिनय किया जो एक पिता और पुत्र के बीच नैतिकता की लड़ाई के बारे में एक फिल्म थी। एक मल्टी स्टारर या एक व्यावसायिक सफलता थी जो सिनेमाघरों में 250 दिनों तक चली और यह इसके बाद भी केजी जॉर्ज की विवादास्पद क्लासिक लेख यूडे मरनम और फ्लैशबैक में सहायक भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में मम्मूटी ने एक फिल्म सुपरस्टार की भूमिका निभाई जो प्रेम नजीर के आधार पर बनाया गया। चरित्र 15 मई 1983 को इंडिया टुडे के श्रीधर पिल्लई ने लिखा कि मलयालम स्क्रीन के वर्तमान क्रोध में मम्मूटी। इसके बाद उन्होंने पी पद्मराजन की क्लासिक कुडेविड में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म में यह एक बोर्डिंग स्कूली शिक्षक की ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आनंदू सुरेश ने लिखा कि मम्मूटी को यहाँ भावनाओं की एक श्रृंखला का कुशलता से निभाया गया है लेकिन विशेष रूप से प्रभावशाली थॉमस की ईर्ष्या का उनका चित्रण था जो एक एलिस के अपने एक छात्र के साथ घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न हुई थी। एक माँ बेटा जैसा रिश्ता जिसे थॉमस रोमांटिक समझ लेता है। मम्मूटी ने थॉमस की खलनायकी में उतरने की कुशलता से प्रदर्शित किया है। अपने चरित्र के भयावह व्यवहार और एलिस का स्नेह जीतने के लिए अतिरिक्त मिल जाने की इच्छा को पकड़ लिया।
सुहासिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सफल रही। उसके बाद उन्होंने निर्देशक जोशी के साथ पहली बार आरात्रि के लिए काम किया। मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद यह एक व्यावसायिक सफलता थी। इसका साउंडट्रैक बहुत सफल था, जिसे इलैयाराजा के मलयालम फिल्म करियर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचक आरात्रि को एक ट्रेंडसेटर मानते हैं। इसे कुट्टी पेट्टी फिल्मों में इसकी पहली माना जाता है, जो 1980 के दशक की आंसू झटकेदार पारिवारिक ड्रामा त्रासदी से इस शैली की फिल्मों में आमतौर पर शुरुआती में एक खुशहाल परिवार होता है, जिसमें एक अच्छे पति, सह पिता, एक युवा माँ और 3 से या 4 साल की बच्ची होती है। अंत में परिवार के रिश्ते